तो टाटा मोटर्स ने कर दिया एक और धमाका, इन्होंने लॉन्च कर दिया कर्व। तो ये कार मिड एसयूवी कूपे स्टाइल में कार दी गई है और ये कार सीधी सीधी कम्पीट करती है लेम्बोर्गिनी उरुस, और उरुस की तरह ही ये कार पीछे से दिखाई देती है। जैसा कि आप इसकी बैक प्रोफाइल देख सकते हैं, ये कार काफी ज्यादा मच अपीलिंग है किसी भी कार के इस सेगमेंट में। और इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो लगभग 11 लाख से शुरू होकर 15 लाख पर ये कार खत्म हो जाएगी। तो ये कार बहुत ही ज्यादा बिकने वाली है। फ्रंट से कुछ इस प्रकार की दिखती है, कनेक्टेड DRL के साथ साथ नेक्सॉन से कुछ इसका फ्रंट लिया गया है, लेकिन ये कार काफी ज्यादा बड़ी और स्टाइलिश दिखाई देती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो साइड प्रोफाइल है वो कुछ अलग मच अपीलिंग लगती है। और इसी कार के अंदर एडास का लेवल 2 भी आता है जो कि लेन असिस्ट में आपकी हेल्प करेगा। और काफी ज्यादा किफायती दामों पर ये कार दी गई है। इसमें सनरूफ, पैनारोमिक सनरूफ भी दी गई है जो इस कार की लुक को काफी ज्यादा मोर अपीलिंग बना देगी। तो ये कार सड़क पे खड़ी हुई लेम्बोर्गिनी उरुस की तरह ही सिमिलर दिखाई देती है। इंडिया में ये कार तहलका मचाने वाली है। आप क्या समझते हैं आप जरूर बताइएगा कमेंट में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल ऑटो ग्लैमर इंडिया। तो अब चलते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स पर। इंजन स्पेक्स में ये 1500cc डीजल इंजन में लॉन्च हुई है, और जिसके साथ साथ ये कार 115 BHP के साथ साथ 225 Nm का टॉर्क भी देगी, जिससे इस कार की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल में भी इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा ऊंचा और हाई अपीलिंग दिया गया है। तो टाटा नेक्सॉन के बाद ये कार इंडिया के मार्केट में तहलका मचाने वाली है। कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है साइड प्रोफाइल। आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक क्लैडिंग भी दे रखी है। पीछे से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे, कनेक्टेड DRL जो दी गई है वो लेम्बोर्गिनी उरुस ही लगती है। अगर सड़क पर यह कार खड़ी होगी तो लेम्बोर्गिनी उरुस ही दिखाई देगी। अगर इसके सारे लोगो वगैरह सब कुछ हटा दिया जाए तो ये कार लेम्बोर्गिनी उरुस को ही कम्पीट करेगी। इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं आप देख सकते हैं। पीछे से कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। यह है इसका लोगो, 360 कैमरा, और आप देख सकते हैं इसकी कनेक्टेड DRL टेल लैम्प जो आजकल चली हुई है, जो काफी ज्यादा मच अपीलिंग लगती है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में भी ये कार काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देती है, जैसा कि आपके हैरियर और अदर कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर दे रखा है, उसी प्रकार का सिनेरियो इस कार के अंदर भी दिया गया है। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल यानी गाड़ी के अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। इस कार के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इनोवेशंस की हैं, जिसके साथ साथ ये कार इंडिया के रोड पर काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाने वाली है। प्राइस में भी ये कार बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती मानी जाएगी। देख सकते हैं कि आप इसमें साइड डोर हैंडल भी XUV700 की तरह ही दे रखे हैं। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो साइड डोर हैंडल के बारे में जब पता चलेगा, जब ये गाड़ी बेसिकली शोरूम्स पर आ जाएगी, ये किस प्रकार से खुलते हैं। आप देख सकते हैं कि साइड से भी इसकी प्रोफाइल और इसके इंटीरियर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और चूजी रखा गया है। अब चलते हैं गाड़ी के इंफोटेनमेंट की तरफ। इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी आप देख सकते हैं इनका अलग ही डिजिटल डिस्प्ले दे रखा है, जो इनके और सिस्टम से मिलता जुलता दिखाई देता है। तो इसमें आपको 10.2 इंच की LED डिस्प्ले दे रखी है, जो काफ़ी ज़्यादा लुक को एनहांस कर देती है। और इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं, एप्पल कार प्ले, एक्यूवेदर, और थाली बैठकर आप इस गाड़ी में गेम वगैरह भी, आर्केड वगैरह भी खेल सकते हैं। तो इस प्रकार की लॉन्च हुई है आपकी ये कर्व। तो आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।